रेडी है ना? देखिए कौन सा हॉस्टल है? गर्ल्स हॉस्टल है ना? स्कूल का ये कॉलेज का क्या नाम है? अवधूत भगवान राम। तो देखिए कॉलेज के अंदर है, मतलब पूरे कमरे के अंदर ये आया कहाँ से? बड़ा आश्चर्य लेके आई थी। हाँ देखिए क्या गजब का सुंदर है, छोटा सा है मगर बड़ा बेहद जहरीला सांप है ये। इसे कहते हैं स्पेक्टिकल ऑफ कोबरा, भारतीय नाग। अब देखिए इसको हम ज्यादा छेड़ते नहीं है, तुरंत आप लोग के सामने ही इसको आ जाओ भाई। पकड़े तो इसको मोबाइल को, मेरा मोबाइल पकड़े तो। देखिए मोबाइल इसको पकड़ते समय ध्यान देना कि वो निकले ना, नहीं तो अगर इसको आप मुंह नीचे रहा आप ध्यान नहीं दिए तो वो उल्टा आपको काट लेगा। देखिए एक मिनट भी अंदर जाओ, टाइल्स है ना उसको डालने में भी फिसल रहा है। बहुत आराम से पकड़ लिया। तो देखिए हम सभी बहुत आराम से ऐसे किया, अंदर घुस गया। बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं ना? क्या क्या कॉमर्स है कि सब है? बायो सब है, बायो है। एक दो इधर दिखाई, इधर थे बायोलॉजी वाले रूम में गए हैं। अच्छा बायोलॉजी रूम है ना। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम जो बना है, इन्वायरमेंट बना है, नेचर बना है, तो सब इन्हीं के कारण ही बना, हम लोग से नहीं बना है। क्योंकि करोड़ों साल से जो चीज चली आ रही आज भी चल रही है, बस मनुष्य जो है उसकी कॉपी कर रहा है और बाद में उसका विनाश ही हो रहा है। हम लोग जो चीज बना रहे हैं वो उतना कारगर नहीं है जो प्रकृति जो अपने तरीके से बना रही है, चाहे फल हो, फूल हो, नदी हो, पहाड़ है, सब बना हुआ है। हमारा जो है बैलेंस बिगड़ रहा है। आप देखिए आप सभी लोग को दिखाइए, आप सब लोग एजुकेशन ले रहे हैं, इसका मतलब दायित्व तो बनता है कि एक ह्यूमन बींग एक मानवता भी निभाए। क्योंकि अगर मानव नहीं रहेगा तो फिर ये प्राणी कहाँ जाएंगे? अगर सबको अपना डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना, तो कुछ लोग को तो ऐसा ना जो एनिमल से नेचर से भी लगाव रखना चाहिए। तो हम लोग का यही कहना है कि भाई आप लोग पढ़िए और साथ में इसको भी लगा रखिए। देखिए जहरीला तो है। अच्छा देखिए बायो साइंस में अपने वेनम के बारे में पढ़ा कि इससे बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन बनती है, रिसर्च सेंटर में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप जो भैया लोग भी देखिए कितने सुरक्षा में लोग रहते हैं हमेशा यहाँ पे ना। तो देखिये भैया लोग है तत्पर रहते हैं कि कोई भी बात, रात में कोई भी अगर जानवर है, कोई आवाज है तो आप तुरंत करते, तो ये लोग आपकी सुरक्षा में रहते हैं। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप अपने आसपास जो भी साफ सफाई रख सकते हैं। जैसे आप उस दिन में आ रहे तो झाड़ी वाड़ी थी, तो आप लोग तो सोचते कि भाई हमारे वस्त का तो है नहीं, मगर थोड़ा बहुत आप सहयोग करेंगे तो आपका हॉस्टल और चमकेगा। और एक जिज्ञासा भी होगी, चलो भाई हम इस परिवार में रह रहे हैं, कोई हमारा हॉस्टल नहीं है, परिवार है, ये हमारा घर है। ठीक है आप लोग का बहुत आभार है बचाने के लिए, थैंक यू। देखिए अभी जो गर्ल्स हॉस्टल में जो कोबरा का बच्चा पकड़े थे, ये देखिए इसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए ये जो है अपना नाग चला जाएगा, देखिए वो चला गया। ठीक है आप लोग को बहुत बहुत आभार, थैंक यू। सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, थैंक यू।